हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग और एंटी मैनिक ड्रग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है यू कैन आल्सो चेक दैट वीडियो सो गाइस विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट द वीडियो सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एंटी ड्रग और एंटी एजेंट्स होते क्या हैं एंटीसाइकोटिक एजेंट्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूरोप्टेजर ट्रैंकोलाइजर्स और फिनोजाइकोटिक ड्रग्स होती है उनको न्यूरोप्टी कहते हैं ठीक है सो न्यूरो का मीनिंग होता है मीन्स नर्वस सिस्टम उससे रिलेटेड ठीक है एंड लैप्टिक का मतलब होता है इनक्रीज करना सो so, ये जो ड्रग्स होती है ये जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको इनक्रीज कर देती है नेक्स्ट इनको मेजर ट्रैंकोलाइजरस भी कहते हैं ठीक है एंड फिनोथियाजाइंस भी कहते हैं ये इसके अनादर नेम है दिस ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैज़ अ मेजर क्लिनिकल यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस सो साइकोसिस के ट्रीटमेंट में ये जो ड्रग्स हैं वो मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सो so, साइकोसिस क्या होता है साइकोसिस इज अ स्टेट इन विच अ पर्सनस एबिलिटी टू रिकोगोगोगनाइज रियलिटी टू कम्युनिकेट एंड रिलेट टू अदर इज़ सीवियरली इम्पेयर्ड सो साइकोसिस के अंदर जो पर्सन होता है जो पर्सन की जो एबिलिटी होता है किसी भी चीज़ को रिकोगनाइज़ करने की या मीन्स जो कोई रियल चीज़ हो रही है तो पर्सन उसको रिकोगनाइज़ नहीं कर पाएगा कि ये चीज़ रियल है भी या नहीं ठीक है एंड दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा अच्छे से सीवियरली इम्पेयर्ड हो जाएगी पर्सन की एबिलिटी एंड दूसरे पर्सन के साथ रिलेट नहीं कर पाएगा इसके अंदर जैसे आ, सीजोफ्रेनिया के पर्सन के साथ होता है जो सीजोफ्रेनिया का पेशेंट होता है उसमें भी यही होता है कि वो रिलेट नहीं कर पाता दूसरे पर्सन के साथ रिकोगनाइज़ नहीं कर पाता रियलिटी को एंड कम्युनिकेट नहीं कर पाता सो so, ये एग्जांपल है साइकोसिस का सीजोफ्रेनिया नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीसाइकोटिक एजेंट सो एंटीसाइकोटिक जो एजेंट होते हैं उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सो so, जो साइकोसिस का पेशेंट होता है उनके अंदर डोपामाइन रिसेप्टर का लेवल ज़्यादा होता है ठीक है जो डोपामाइन रिसेप्टर होता है वो उसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है सो so, जो डोपामाइन uh, रिसेप्टर होता है वही पर्सन की जो साइकोटिक कंडीशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सो so, तो एंटीसाइकोटिक एजेंट्स या ड्रग क्या करती हैं एंटीसाइकोटिक एजेंट्स ब्लॉक द डोपामाइन रिसेप्टर्स सो एंटीसाइकोटिक एजेंट्स ब्लॉक कर देंगी डोपामाइन रिसेप्टर को जो कि ब्रेन में रिलीज होता है डोपामाइन इज अ केमिकल विच इज रिलीज इन द ब्रेन एंड कोस इज साइकोटिक थिंकिंग सो so, डोप एक केमिकल होता है जो कि रिलीज होता है ब्रेन के अंदर ठीक है ब्रेन के अंदर जो बेसल गैंगलिया होता है हाइपोथैलेमस होता है एंड ब्रेन स्टेम होती है ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला ओब्लेंगेंटा ठीक है यहाँ पर जो एंटी साइकोटिक ड्रग होती है वो डोपामाइन को ब्लॉक कर देती है ताकि साइकोटिक जो डिसऑर्डर उसको ट्रीट किया जा सके सो so, जो डोपामाइन होता है वो एक ऐसा केमिकल होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है साइकोटिक थिंकिंग के लिए अगर किसी पर्सन के अंदर डोपामाइन का लेवल ज़्यादा होगा तो वो मोर प्रोन होगा साइकोटिक डिसऑर्डर के सो so, जो डोपामाइन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है पर्सन के अंदर जो साइकोटिक डिसऑर्डर होता है उसके लिए अगर डोपामाइन का लेवल ज़्यादा तो पर्सन क्या होगा साइकोटिक डिसऑर्डर से सफर करेगा सो so ये ड्रग क्या करती है ये डापामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है नेक्स्ट पॉइंट सो अगर इंक्रीज प्रोडक्शन होगा डोपामाइन का इंक्रीज प्रोडक्शन डोपामाइन का क्या करेगा सो so ये क्या करेगा जो नर्व इंपल्स का जो ट्रांसमिशन है उसको फास्ट कर देता है ब्रेन स्टेम के पास ठीक है इसकी वजह से ही स्ट्रेंज जो थॉट्स होते हैं वो हो जाते हैं हेलूशिनेशन हो जाती हैं एंड बिजारे बिहेवियर हो जाता है बिजारे बिहेवियर क्या होता है एबनॉर्मल बिहेवियर होता है ये सो एंटीसाइकोटिक ड्रग हेल्प करती है ब्लॉक करने में और रिड्यूस करने में जो एक्टिविटी होती है डोपामाइन की सो गाइज नेक्स्ट वी विल स्टडी क्लासीफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एंटीसाइकोटिक ड्रग की क्लासीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे सो so, इनको दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है फर्स्ट टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग सेकेंड अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है ये ओल्डर ड्रग्स हैं ठीक है एंड जो अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं ये न्यू ड्रग हैं सो so, जो आर्ट टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है इनका जो यूज़ है वो कम किया जाता है क्योंकि इनके जो साइड इफेक्ट है वो ज़्यादा है तो इसलिए जो नई ड्रग्स हैं उनको इन्वेंट किया गया जो कि अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं सो so, इनके जो साइड इफेक्ट हैं वो भी कम हैं सो so, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर कौन सी ड्रग आती है फर्स्ट क्लोरप्रोमाजाइन प्रोमाजाइन सेकेंड सेकेंड वन प्रो क्लोर प्रोमाजाइन थर्ड वन ड्राई फ्लू प्रोमाजाइन फोर्थ वन ट्राई फ्लू पैराजाइन हेलोपेरिडोल पिमोजाइड लोक्सा एंड फ्लू फेनाजाइन डेकोनेट नेक्स्ट टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर कौन सी ड्रग आती है जिप्रेशिडोन ओलेंजा पाइन क्लोजा पाइन रिस्पेरीडोन सु नेक्स्ट ड्रग आती है इसके अंदर सो सुगाइजी सेल पाई राइड है ठीक है इसमें एल लगा लेना बीच में एल नहीं लगाया मैंने इसमें गलती से सेल पाई राइड नेक्स्ट है एमी इसमें भी आएगा एमी सल्पाइराइड नेक्स्ट वन इज एरी पिपरा सोल सो ये थी क्लासिफिकेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग की सो गाइस नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इंडिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग सो जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती हैं इनके कुछ इंडिकेशन्स होते हैं कुछ मेजर यूजेज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम सो फर्स्ट वन इज़ डेलीरियम डेलीरियम डिसऑर्डर होता है कॉन्शियसनेस का इसके अंदर जो पर्सन की जो कॉन्शियसनेस होती है वो अल्टर हो जाती है क्लाउडिंग हो जाती है कॉन्शियसनेस की नेक्स्ट डिमेंशिया डिमेंशिया सो डिमेंशिया के अंदर लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है जो मेमोरी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है इसके अंदर सीजोफ्रेनिया सो so, सीजोफ्रेनिया के अंदर जो पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है उसका डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है इसके अंदर दी जाती है ये ड्रग्स नेक्स्ट डिप्रेशन के पेशेंट को दे सकते हैं एंड लास्ट वन जो पैरानोइड डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं जो पैरानॉइड डिसऑर्डर होते हैं के जो पेशेंट होते हैं सो पैरानॉइड डिसऑर्डर के जो पर्सन होते हैं उनको भी ये ड्रग दी जा सकती है पैरानाइड डिसऑर्डर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है सो so, इसके अंदर जो पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं ठीक है डिस्ट्रस्टफुल होते हैं दूसरे पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करते उनको हमेशा ये फील होता है कि सब उसको किल करना चाहते हैं सो so, ये सब उसको फील होता रहता है सो so, ये कुछ इंडिकेशन थे सो गाइस नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग सो जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है उनके कुछ साइड इफेक्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगी फर्स्ट वन है ड्राई माउथ सो इन ड्रग्स को लेने की वजह से ड्राई माउथ हो सकता है सेकेंड ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है ठीक है ऑर्थोस्टैटिक तो हाइपोटेंशन क्या होता है जब पर्सन सिटिंग पोजीशन से या लाइंग पोजीशन से जब एकदम से खड़ा होता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है एकदम से तो उसको कहते हैं ऑर्थोस्टेटिक तो हाइपोटेंशन नेक्स्ट वन पाल्पिटेशन पाल्पिटेशन में जो हार्ट बीट होती है पर्सन की वो फास्ट हो जाती है टैक्कार्डियम के अंदर पल्स रेट इंक्रीज हो जाती ब्लर विजन हो जाता है यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है कॉन्स्टिपेशन नेक्स्ट फोटोसेंसीटिविटी फोटोसेंसिटिविटी में क्या होता है सो so, इसके अंदर जब पर्सन इन ड्रग्स पर होता है इन ड्रग्स को ले रहा होता है तो एकदम से जब सनलाइट के एक्सपोजर में आ जाता है तो वो ईचिंग हो सकती है उसको या कोई स्किन एलर्जी डेवलप कर सकता है इसकी वजह से रैशेज हो सकते हैं उसको ठीक है तो फोटोसेंसीटिविटी अक्कर हो सकती है नेक्स्ट ब्लड डिसक्रेसिया और अग्रैन्युलोसाइटोसिस इसके अंदर क्या होता है जो डब्ल्यू बी सी का जो नंबर होता है वो डिक्रीज हो जाता है इसके अंदर ठीक है नेक्स्ट प्रियोराइटिस नेक्स्ट गाइनिकोमेस्टिया में क्या होता है जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो ब्रेस्ट होती है उनकी एनलार्जमेंट हो सकती है नेक्स्ट लैक्टेशन मोर मिल्क प्रोडक्शन भी देखा जा सकता है इसके अंदर से ये कुछ साइड इफेक्ट थे सो गाइस एट लास्ट हम पढ़ेंगे नर्सिंग केयर सो जो साइकोसिस का पेशेंट होता है या जो पेशेंट एंटी साइकोटिक ड्रग्स पर होता है उसको क्या क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है नर्सिस क्या केयर प्रोवाइड करती है उसको फर्स्ट वन एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू सनलाइट पेशेंट को एडवाइस करना कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना है सनलाइट के अदरवाइज फोटो सेंसिटिविटी अक्कर हो सकती है सेकेंड वन अवॉइड एल्कोहल जब पेशेंट इन ड्रग्स को ले रहा हो तो अवॉइड करना है एल्कोहल का कंजप्शन नेक्स्ट मॉनिटर यूरिन आउटपुट एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल सो जो यूरिन आउटपुट है पेशेंट का उसको चेक करना है एंड डॉक्यूमेंट करना है प्रॉपरली नेक्स्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको भी क्या करना है मॉनिटर करना है प्रॉपरली नेक्स्ट इन्फॉर्म दैट सम मेडिकेशन में कोज अ हार्मलेस चेंज इन द यूरिन कलर टू पिंकिश टू रेड ब्राउन सो so, जो पेशेंट है उसको इन्फॉर्म करना है कि जो कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे एक मेडिकेशन है रेस्पेरीडोन जो रिस्पेरिडोन मेडिकेशन है ये भी एंटीसाइकोटिक ड्रग है इसकी वजह से क्या होता है बहुत बार जो यूरिन का कलर होता है वो कैसा हो जाता है ये पिंकिश टू रेड ब्राउन हो जाता है सो so, पेशेंट को बताना है कि इन मेडिकेशंस की वजह से हो सकता है एंड ये हार्मलेस होता है लास्ट पॉइंट एडवाइज पेशेंट टू चेंज द पोजिशन स्लोली टू अवॉइड औरथोस्टैटिक हाइपोटेश टेंशन पेशेंट को कहना कि अपनी पोजिशंस को स्लोली चेंज करना ताकि औरथोस्टैटिक हाइपोटेंशन को प्रिवेंट किया जा सके औरथोस्टैटिक हाइपोटेंशन के अंदर जब पेशेंट लाइंग पोजिशन में होता है या सिटिंग पोजिशन में होता है तो एकदम से जब खड़ा होता है तो क्या होता है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो सकता है ठीक है बहुत बार चांसेस रहते हैं। तो उसको कहना है कि पेशेंट को जो पोजिशंस है उनको स्लोली चेंज करें सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एंटी साइकोटिक मेडिकेशन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो देन डोंट फर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेलाइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो